बोस एटमिक मॉडल को पोस्टलेट लिया आए छु। यो चैनल सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब कर दिन होगा मैं पोस्टलेट तीर जांचु। इन एन एटम इलेक्ट्रोन रिवॉल्व राम द न्यूक्लियस इन डिफाइन सर्कुलर पाथ कल ऑर्बिट। इसलिए भन्न खोजे चाहे एटम में इलेक्ट्रोन चाहे सर्कुलर पाथ में घूमि रहेको हुन्छ त्यसैले चाहिँ हामीले अर्बिट भनिन्छ। सेकेंड पॉइंट चाहिँ इथ अर्बिट ऑसिलेट विथ डिफाइन अमाउंट अफ इनर्जी एंड द इनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन रिमेन्स कन्स्टेंट एज लॉन्ग एज इट स्टे इन सेम अर्बिट सच अर्बिट्स आर कॉल्ड इनर्जी लेवल। यसै के भन्छ नि अर्बिटल में ऑसिलेट डिफाइन अमाउंट अफ इनर्जी एंड द इनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन रिमाइन्स कंस्टेंट एंड लॉन्ग एज इट स्टे इन सेम अर्बिट सच अर्बिटल आर कॉल्ड इनर्जी लेवल। इसलिए चाहिँ प्रकष्ट बुझाएको छ। पर्मिटेड पाथ आर दोज फर व्हिच एंगुलर मोमेंटम अफ एन इलेक्ट्रोन इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीग्रेटल मल्टीपल अफ एच डिवाइडेड टू पाई एम बी आर इज इक्वल टू एच एच एन बाई टू पाई वेयर एम इज इक्वल टू मास अफ इलेक्ट्रोन भी इज इक्वल टू वेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन आर इज इक्वल टू रेडियस अफ अर्बिटल एन इज इक्वल टू जस्ते के सेल में ये एल सेल में टू एम सेल में थ्री त्यसले चाहिँ जनाउँछ यज भनेको प्लान्केज कन्स्टेन्ट जसको भ्यालु चाहिँ 6.626 इन्टु 10^-34 जुल सेकेन्ड। अर्को चाहिँ कुन स्टेप छ भने हाम्रो चौथो स्टेप देयर आर डिफरेंट सेल अराउंड द न्यूक्लियस एन्ड ह्याव डिफरेंट इनर्जी। यो चाहिँ बुझ्न सकिन्छ हाम्रो चाहिँ न्यूक्लियस चाहिँ डिफरेंट सेल में घूमिरहेको हुन्छ इनर्जी अफ अर्बिट इंक्रीज अर्बिट चाहिँ इंक्रीज इनर्जी हुन्छ रे विथ इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रम न्यूक्लियस जति डिस्टेंस बढ्दै गयो त्यति चाहिँ हाम्रो इनर्जी चाहिँ इंक्रीज हुँदै जाने रहेछ। अर्को लास्ट पॉइंट चाहिँ एज लंग एज इलेक्ट्रोन रिमेन्स इन पर्टिकुलर अर्बिट इट डज नॉट रेडिट इनर्जी हाउएवर इलेक्ट्रोन गेट पर्मिटेड टू हायर इनर्जी लेवल एंड अब्जर्विंग इनर्जी एंड इलेक्ट्रोन लूज इनर्जी वेन इट जम्प टू ओन अफ द लोअर इनर्जी लेवल। जहाँ चाहिँ हाम्रो हायर लेवल इनर्जी में जम्प गर् इलेक्ट्रोन जम्प गर्दा इनर्जी चाहिँ हाम्रो इनर्जी लेवल चाहिँ घट्छ त्यस्तै गरी हाम्रो इनर्जी लेवल चाहिँ हाम्रो लोअर इनर्जी लेवल चाहिँ जसको चाहिँ इनर्जी चाहिँ इमिडिएट हुन्छ। हाम्रो यो पोस्टुलेट चाहिँ स्क्रिनसट नलिभएको लिनु होला। धन्यवाद।